हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या उनका प्यार सच्चा है। तो आपके जो पर्सन हैं, पार्टनर हैं, लव इंटरेस्ट हैं, क्या उनका प्यार सच्चा है या सिर्फ दिखावा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। आइए चलिए देखते हैं कि क्या उनका प्यार सच्चा है या सिर्फ दिखावा। क्या उनका प्यार सच्चा है या सिर्फ दिखावा। ओके, वी हैव अ कार्ड एम्प्रेस एंड वी हैव दिस जस्टिस। वी हैव दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव दिस सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो क्या उनका प्यार सच्चा है या सिर्फ दिखावा। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले यहां पर जो चीज नजर आती है वो ये है कि इमोशंस को लेकर यहां पर काफी कुछ कहा जा सकता है। यस, इनकी फीलिंग्स को लेकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर जो आपके लिए इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत हद तक रियल हैं, वो बहुत हद तक जेन्युइन है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एम्प्रेस का ही नहीं, क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है और ये यहाँ पर ऐसा बताता है कि जिस पर्सन के लिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इस पर्सन के इमोशंस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके इमोशंस आपके लिए बहुत जेन्युइन है। इवन ऐसा लगता है कि अब तक उन्होंने आपको उस तरह से प्रपोज नहीं किया है जिस तरह से वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या उस तरह से अभी तक उन्होंने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है जिस तरह से वो करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। यस, ऐसा लगता है व्यूवर्स कि जितना प्यार वो आपसे एक्चुअली करते हैं या करती हैं, उतना प्यार तो उन्होंने अब तक आपको एक्सप्रेस ही नहीं किया, उतना प्यार तो उन्होंने अब तक आपको शो ही नहीं किया है। यस, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड होता तो मैं एक बार के लिए बोलती कि उनकी फीलिंग्स अभी इतनी सीरियस नहीं है, इतनी जेन्युइन नहीं है, इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा आपको लेकर सीरियस नहीं है, लाइट है बहुत एनर्जी, ऐसा मैं तब कहती। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूवर्स ये आपके लिए सीरियस भी हैं, इनके इमोशंस बहुत जेन्युइन है आपके लिए, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत जेन्युइन है, इवन इनका प्यार जो है वो सच्चा है। इन्हें कोई आपसे फ़ायदा या आपसे एडवांटेज या आपसे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, मतलब ही नहीं है ये आपको लेकर, और ये जो भी आपके लिए फील करते हैं प्योर इंटेंशंस के साथ फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान के इंटेंशंस भी गलत नहीं है। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान एक ऐसे टाइप का इंसान है, इस तरह का इंसान है जो थोड़ा मिस्टीरियस है, यानी कि इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है उनके बिहेवियर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। ओके, लेकिन इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो सिर्फ इनकी बॉडी लैंग्वेज से या इनके बिहेवियर से समझ में नहीं आता होगा। इवन आप इस पर्सन को ऑब्जर्व करके कुछ स्टडी करने की कोशिश करते होंगे, कुछ नोटिस करने की कोशिश भी करते होंगे, तो भी आप समझ नहीं पाते होंगे कि एट द एंड ऑफ द डे ये इंसान चाहता क्या है, या ये चाहती क्या है या चाहते क्या हैं, ये आप समझ नहीं पाते होंगे क्योंकि थोड़े मिस्टीरियस हैं, थोड़े सीक्रेटिव हैं। अगर मिस्टीरियस भी नहीं है तो थोड़े से सीक्रेटिव हैं, अपने मन की बातों को कोई कोई तो होता है जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये ऐसे हैं कि एक्सप्रेस नहीं कर सकते और उल्टा छुपा के भी रखते हैं, उसको एक सीक्रेट की तरह ही रखते हैं। तो वो जितना प्यार आपसे करते हैं इट इज़ स्टिल अ सीक्रेट। जैसे हम किसी से कहते हैं कि तुझे एक सीक्रेट बात बताती हूँ,
इधर आओ मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, किसी को बताना मत, ये इनका सीक्रेट है कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं। इसीलिए जैसे वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं उन्होंने अब तक किया नहीं, जिस तरह से वो अपना प्यार आपसे कन्फेस करना चाहते हैं उस तरह से अब तक किया नहीं, लेकिन इनके इंटेंशंस, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस में कोई मिलावट नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है, वो सिर्फ प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि उनको जेन्युइनली आपसे प्यार है, लेकिन ये थोड़े कम रह जाते हैं, ये थोड़ा सा इनको कम पॉइंट्स मिलते हैं इस चीज़ में कि ये एक्सप्रेस अच्छा सा नहीं कर पाते, अच्छे से नहीं कर पाते, ये कन्फेस अच्छे से नहीं करते और अपने दिल की बातों को एक सीक्रेट की तरह, एक राज की तरह, एक सीक्रेट की तरह छुपा के रखते हैं। तो यस व्यूअर्स, यहाँ प्यार सच्चा है, इवन प्यार भी सच्चा है और इंटेंशंस इतने जेन्युइन और इतने सीरियस हैं आपको लेकर, कैसा लगता है कि इस इंसान को आपके अंदर अपना फ्यूचर हस्बैंड, अपनी फ्यूचर वाइफ दिखती है। ये जब भी आपको देखते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे शादी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, जैसे आपको इनके लिए ही बनाया गया हो। ऐसा लगता है व्यूवर्स कि उनको आप में वो सारी क्वालिटीज़ दिखती हैं जो उन्हें अपने पार्टनर में चाहिए थी। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत गिविंग हो और बहुत आपकी एनर्जी बहुत काइंड और बहुत हम्बल और लविंग है। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जो बहुत केयरिंग, लविंग और गिविंग टाइप का हो, जिसमें बहुत एटीट्यूड ना हो, जो घमंडी ना हो, जो बहुत गुस्से वाला ना हो, ईगोइस्टिक ना हो। उन्हें इस तरह का ही इंसान चाहिए था जो इतना लविंग और केयरिंग हो, और उनको आपके अंदर सब कुछ मिल गया ऐसा लगता है। तो व्यूवर्स, उनका प्यार तो इतना सच्चा है कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो तो ऐसी हैं कि वो आपके साथ शादी करें, आपके साथ उनके बच्चे हों एंड ऑल दैट। तो वो तो आपको अपने वाइफ और हस्बैंड के रूप में देख रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि उनको आपके अंदर बहुत मदरली क्वालिटीज लगती हैं, जैसे एक माँ के अंदर क्वालिटी होती है, और ये मदरली क्वालिटीज से अगर मतलब है बहुत फेमिनाइन क्वालिटीज है। अगर आप मेल भी हैं, अगर आप मेल हैं तो भी, और अगर आप फीमेल हैं तो भी, आपके अंदर फेमिनाइन जो क्वालिटीज़ हैं या फेमिनाइन एस्पेक्ट जो है वो कुछ ज़्यादा ही है, यानी कि आप ज़्यादा ही लविंग हो, ज़्यादा ही केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, नर्चर करोगे हमेशा, रिश्तों को नर्चर करोगे, ओके, अपने सगे संबंधी, अपने परिवार के जो जन हैं, अपना जो पार्टनर है, अपने जो यू नो फैमिली है, उसे हमेशा नर्चर करोगे, हमेशा गिविंग रहोगे उनके प्रति। तो वो एक मदरली क्वालिटी होती है, जो फेमिनाइन क्वालिटी है वो आप में बहुत ज़्यादा है, और वो उस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं, ओके। तो उनका प्यार जो है व्यूअर्स, वो दिखावा नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि वो तो ये भी चाहते हैं कि जैसे आप उनके बच्चों की माँ बने या आप उनके बच्चों के पिता बने इन फ्यूचर, दे वॉन्ट यू टू बी द मदर और फादर ऑफ देयर चिल्ड्रन। यस यस, उनको ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आपके बाल जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, आपके बालों का कलर है, टेक्सचर है, या कोई हेयर स्टाइल है, आई डोंट नो कि किस तरह के बालों की बात हो रही है यहाँ पे, कि मतलब लंबे बाल हैं कि शॉर्ट हेयर है, लेकिन जो भी हैं, जैसे भी हैं, उन्हें आपके बाल बहुत पसंद है। अगर वो कर्ली हैं तो भी, स्ट्रेट हैं तो भी, कुछ और हैं, मैसी हैं, कैसे भी हैं, उनको आपके बाल बहुत पसंद हैं, या आपका हेयर टेक्स्चर या आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है उनको। बट देर इज समथिंग अबाउट योर हेयर, दे लाइक देम और दे लव देम, ऐसा कुछ है कहीं ना कहीं व्यूअर्स। उनको आपके फेस पर भी एक ग्रेस दिखता है, एक चार्म दिखता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपके आपका जो ऑरा है, ओके, उससे पता लगता है कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, क्योंकि इंसान का ऑरा अगर बहुत नेगेटिव है, बहुत बहुत यू नो उसकी लो वाइब्रेशंस हैं, तो पता लग जाता है कि इंसान के दिमाग में भी नेगेटिविटी है, इंसान के मन में भी दर्द है और कहीं ना कहीं पेन है, ये किसी तरह की नेगेटिविटी है लाइफ में। लेकिन जब इंसान के ऑरा में इतनी पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि जो आप अंदर से हो वो आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, मन की बातों को छुपा लोगे, हरकतों को छुपा लोगे, लेकिन अपने ऑरा को हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एनर्जी है।
तो वो फील कर सकते हैं कि आपके अंदर वो ग्रेस, वो पॉजिटिविटी, वो फील कर सकते हैं आपके ऑरा की वजह से। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान तो आपको बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, येस दे हैव हाइड थिंग्स और दे येस दे हैव, ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं, चीज़ें छुपाई हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको बिना बताए, बिना कोई रीज़न दिए या आपकी लाइफ से जैसे गायब हुए। यस, बिना आपको कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना आपको कोई आंसर्स दिए, बिना आपको कोई कुछ बताए, या आपकी लाइफ से अचानक से गायब हो गए। इन्होंने आपसे बात करना कम कर दिया, अचानक से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, अचानक से रिप्लाई करना बंद कर दिया, अचानक से इन्होंने आपकी लाइफ से जैसे गायब होने का डिसाइड किया। और इस वजह से आई थिंक आप काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं व्यूअर्स। ऐसा लगता है किसी मजबूरी की वजह से इस इंसान को जाना पड़ा। दे नेवर वॉन्टेड टू गो, ये कभी आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे। इट लुक्स लाइक कि अगर आपको लग रहा है कि अगर ये इंसान सच्चा प्यार करता तो ऐसे अचानक से क्यों चला जाता, या अचानक से बात करना क्यों बंद कर देता या कर देती, या अचानक से अवॉइड क्यों करता चीज़ों को, या अचानक से ऐसा क्यों हो जाता इफ़ दे जेन्युइनली लव्ड यू। तो व्यूअर्स ऐसा लगता है बात यहाँ प्यार की नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स। ये किसी और मजबूरी के कारण आपसे दूर हुए हैं, और वो भी बिना आपको बताए, बिना आपको कोई रीज़न दिए। और इनकी ऐसी सोच है कि वो लौट कर भी आएंगे। यस, ऐसा लगता है जैसे किसी मजबूरी की वजह से, किसी किसी कठिन परिस्थिति की वजह से, और उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। यस, कुछ लोगों की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, कुछ ऐसी मजबूरी में ये फंसे कि इनको ना चाहते हुए भी आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा। या तो किसी ने इनको ब्लैकमेल किया, किसी ने इनको प्रेशराइज किया, किसी ने इनको थ्रेट किया, या हो सकता है किसी ने जानबूझ के इनको इनको ऐसी सिचुएशन में स्टक कर दिया, फंसा दिया, या फिर इनके ऊपर अचानक से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बर्डन आ गया। देर इज़ बर्डन, आई कैन सी दैट। तो यहाँ पर हो सकता है अचानक से इतना बर्डन इनको फील हुआ, इतना बर्डन महसूस हुआ, जिसकी वजह से मैंने कहा ना, ये सीक्रेटिव वैसे ही हैं, ये कुछ बताते नहीं हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो बिना बताए, बिना कुछ एक्सप्लेन किए, दे डिसाइडेड टू क्रिएट अ डिस्टेंस। उन्होंने आपसे दूरी बना ली, अचानक से आपके साथ उन्होंने अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, और बिना बताए एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। ज़रूरी नहीं है कहीं गए हों, ऐसा लगता है कि बस डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, या बात करना कम कर दिया है, या बंद कर दिया है, व्हाटएवर यू से। तो ऐसा लगता है कि इनको मजबूरी में जाना पड़ा। ओके, बट दे विल कम बैक। यहाँ पर ऐसा भी है कि ये इंसान जहाँ भी गया है, जिस भी कारण से गया है, ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इनके दिल में आप ही हो। ये लौट कर फिर से आएंगे, लेकिन ये एकदम से लौट कर नहीं आएंगे, कुछ समय लगेगा बीच में। यस, अपनी स्टक सिचुएशन से फ्री हो जाएंगे, या जो भी बर्डन है उसको रिलीज करके, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें पूरा करके, या जो भी अगर कोई और प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके, दे विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो आपके पास लौट कर आएंगे और आपको कुछ ऑफर करेंगे। यस, अभी ऐसा लगता है कि वो किसी परिस्थिति, किसी मजबूरी की वजह से चले गए हैं, बट दे विल कम बैक टू यू एंड दे विल ऑफर यू समथिंग, कुछ ऑफर करेंगे आपको। लेकिन क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये ऑफर बहुत जल्दी नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा लगता है कि आप जो डिजर्व करते हो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर इस सिचुएशन में जस्टिस होगा, और जो आप डिजर्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो यस, ये सिचुएशन अगर आपको लगता है कि अनफेयर कुछ आपके साथ हुआ है, इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, तो आप परेशान मत होइए, आपके साथ जस्टिस होगा। आई नीड अनदर डेक, नॉट दिस वन, आई नीड दिस डेक जस्ट। मुझे लगता है यहाँ रीबर्थ का जो मैसेज आया है वो यही बताता है व्यूअर्स कि अभी इस इंसान की लाइफ में जो फेज चल रहा है वो एंड होगा,
और फिर कुछ न्यू स्टार्ट होगा, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, तब आई थिंक ही आपके पास आ पाएंगे। अभी अपने लाइफ के पास्ट प्रॉब्लम्स और पास्ट के जो इश्यूज हैं उनको ही टैकल कर रहे हैं। जब इनका वो साइकिल, कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा या जब वो फेज़ उनका ख़त्म हो जाएगा और एक न्यू चैप्टर की, न्यू फेज़ की शुरुआत होगी, मुझे लगता है तब ये आपके पास ज़रूर आएंगे। यस, पेशेंस, तब तक व्यूअर्स आपको पेशेंस रखना होगा। इफ़ यू रियली लव दिस पर्सन, थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा क्योंकि इस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ट्रांसफॉर्मेशन में लगेगा समय, तब तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। यहाँ पर ऐसा है, और देखते हैं। यस, मुझे लगता है व्यूअर्स वो भी कोई खुश नहीं है आपसे दूर, अपनी फीलिंग्स दबा के, अपनी फीलिंग्स को छुपा के उनको भी तकलीफ हुई है, सप्रेशन का कार्ड आया। लेकिन दिस पर्सन कैसे अपना सर पकड़ के झुक के अपने आप को रस्सियों में बांधा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जितना अपनी फीलिंग्स को छुपाया, जितना अपने इमोशंस को हाइड करके रखा, उतनी तकलीफ उनको भी हुई है। क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो हमें भी फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें भी इरिटेशन होती है, तो वही इनको महसूस हो रही है। ओके, तो ये भी खुश नहीं है व्यूअर्स आपसे दूर जाकर, ये बात यहाँ साफ दिख रही है। यस, मुझे ऐसा लगता है चेंजेस आएंगे, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी ही नहीं रहेगी, ये इंसान कुछ करेंगे ज़रूर, परिस्थिति ऐसी ही नहीं रहेगी, आगे सिचुएशन में चेंज आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा, स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट बाय मोमेंट, एकदम से कोई चेंज यहाँ पर नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, स्लोली स्लोली दे विल मूव टुवर्ड्स यू, धीरे धीरे वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और जैसे ही उनकी लाइफ की कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगी तो ये आपको जस्टिस ऑफर करेंगे और आप जो आपको अपना प्यार ऑफर करेंगे और जो जस्टिस यहाँ पर होना चाहिए वो होगा। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये आपके लिए एक रोमांटिक इंसान बन के आएंगे। अभी ये थोड़े से मिस्टीरियस और थोड़े से सीरियस टाइप के इंसान हैं, लेकिन इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा लगता है ये ज़्यादा रोमांटिक आपके लिए हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, इनका प्यार, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं और इनका बिहेवियर ऐसा है, इसीलिए आप इनको जज मत कीजिए, इनका प्यार सच्चा है, कोई दिखावा नहीं है। और आपके पर्सन के नाम में जो ओके, सो यू आर द लाइफ, लाइफ का यहाँ पर मैसेज आया है। अल्फाबेट्स है H, S, G, B, C, Z, N, N for nest, yes. So yes, Z, C, H, S, G, B, N, और यहाँ पर ये life. तो ऐसा लगता है व्यूअर्स के जैसे आपको वो अपनी life कह रहे हैं या कह रहे हैं कि आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। एंड यहाँ पर है जो अल्फ़ाबेट हो सकता है, ये अल्फ़ाबेट्स आपके उनके नाम में हो सकते हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, हेल्प किया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।